ठीक है, मुगल चित्रकला में हमने बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को पढ़ा। अब पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां 1628 से 1658, शाहजहां का शासनकाल चला है 1628 से 1658 तक। शाहजहां का शासनकाल चला है 1628 से 1658 तक। शाहजहां 1628 से 1658, 1628 से 1658 शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां, शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। और यह शहजादा था, जहांगीर का पुत्र था, इसलिए जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 1628 में खुर्रम शाहजहां के नाम से सिंहासन पर बैठा। शाहजहां की रुचि वास्तुकला में अधिक थी। तो शाहजहां की रुचि वास्तुकला में अधिक थी, जिसका भव्यतम उदाहरण ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, दुनिया को पता है। ठीक है, सात अजूबों में से एक है, जो संसार के आश्चर्यों में से एक है, ताजमहल। शाहजहां चित्रकला के प्रति भी उदार भाव रखता था। ऐसा नहीं है कि चित्र बनवाता ही नहीं था, उदार भाव रखता था। शाहजहां भी अपने पिता के समान पोथी खाने में बैठकर पुस्तकों में चित्र संबंधी टिप्पणियां लिखा करता था। तो शाहजहां भी अपने पिता जहांगीर की तरह पोथी खाने में बैठकर पुस्तकों में चित्र संबंधी टिप्पणियां लिखा करता था। उसका कला प्रेम इसी से प्रकट होता है कि जब सर टॉमस रो ने बालक शाहजहां को घड़ी उपहार में भेंट की थी, तो उसने कहा था कि यदि इसके स्थान पर एक नवनिर्मित तेल चित्र भेंट किया जाता तो वह अधिक प्रसन्न होता। मतलब यह किस्सा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि शाहजहां का भी चित्रों से प्रेम था और बचपन से था। क्योंकि जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे, तब शाहजहां एक बालक था, छोटा बच्चा था। तो सर टॉमस रो ने शाहजहां को एक महंगी घड़ी उपहार में दी, गिफ्ट की। तो गिफ्ट तो ले लिया शाहजहां ने, लेकिन गिफ्ट लेते हुए यह बोला, शाहजहां ने बोला टॉमस रो से कि यदि आप मुझे एक नवनिर्मित तेल चित्र भेंट करते तो मैं ज्यादा प्रसन्न होता। मतलब मुझे खुशी है कि आपने मुझे घड़ी दी, लेकिन अगर घड़ी की जगह एक तुरंत बनाई गई नवनिर्मित ऑयल पेंटिंग देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ठीक है, तो समझ गए, कला प्रेमी तो था भाई शहजादा शाहजहां। जहांगीर की चित्रशाला के चित्रकार शाहजहां के दरबार में उसी प्रकार कार्य करते रहे। तो जो चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला में थे, वही चित्रकार शाहजहां की चित्रशाला में भी कार्य करते रहे। इस काल में सभी दरबार बादशाह
यौवन सुंदरियां, रंग महल और विलासिता के विषय संबंधी चित्र बहुतायत से बने। तो शाहजहां के काल में सभी बने, दरबारी चित्र बने, बादशाहों के चित्र बने, यौवन सुंदरियों के चित्र बने, रंग महल के चित्र बने और विलासिता के विषय संबंधी चित्र बहुतायत से बने। ठीक है, तो ये शाहजहां कालीन चित्र हैं। सभी दरबार, बादशाह, यौवन सुंदरियां, रंग महल, विलासिता से संबंधित चित्र। सभी मतलब क्या होता है? सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट और लाइफ। ठीक है, शाहजहां काल में स्याह कलम के चित्र भी बने हैं। शाहजहां के काल में स्याह कलम के चित्र भी बने हैं। स्याह कलम शाहजहां कालीन प्रमुख दरबारी चित्रकारों में गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, विचित्र, चितरमन, होनहार, अनुपचितर और बालचंद आदि थे। तो भैया शाहजहां कालीन दरबारी चित्रकारों के नाम इस प्रकार से हैं: गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, विचित्र, चितरमन, होनहार, अनुपचितर और बालचंद। एक बार और रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां कालीन प्रमुख दरबारी चित्रकारों के नाम: गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, विचित्र, चितरमन, होनहार, अनुपचितर और बालचंद। शाहजहां के भवन प्रेम के कारण चित्रकला को यथेष्ट प्रोत्साहन नहीं मिला। मतलब शाहजहां भवन के निर्माणों में ज्यादा बिजी रहे और चित्रकला को उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। ठीक है, और चित्रकारों की कृतियों में धीरे धीरे दरबारी अदब कायदे और बाह्य तड़क भड़क ही रह गई। मतलब चित्रों में से कला खत्म होती गई और कला की जगह दरबारी अदब कायदे आ गए और केवल बाहरी तड़क भड़क ही रह गई। ठीक है, जो मूल सौंदर्य है वह धीरे धीरे जाता रहा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां तो भाई भवन निर्माणों में बिजी थे, चित्रकारों और चित्रकारी पे उनका ध्यान कम होता चला गया। ठीक है, आखिरी है भैया औरंगजेब, महान मुगल शासक औरंगजेब सन 1658 ईस्वी में शाहजहां को बंदी बनाकर तथा अपने सभी भाइयों को मारकर शाहजहां का चतुर्थ पुत्र औरंगजेब आलमगीर के नाम से स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये है जलवा, अपने बाप को कैदी बनाया और जेल में बंद कर दिया, चलो हटो हो गया, और अपने सभी भाइयों को मरवा दिया, अपने सारे भाइयों को मार डाला। अब कौन बचे? आलमगीर।
औरंगजेब। औरंगजेब खुद गद्दी पे बैठ गया। अरे कौन बिठाएगा भाई, मैं खुद आलमगीर गद्दी पे बैठता हूं, खत्म खेल। कब बैठा? 1658 में। ठीक है, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कट्टर था, बिल्कुल कट्टर सुन्नी मुसलमान, आलमगीर। उसने चित्रकला को धर्म निषेध घोषित कर दिया। खत्म, चित्रकला मित्रकला बंद करो, सब सब धर्म के खिलाफ है, खत्म करो, चित्र मित्र बनाना खत्म, द एंड, खलास, बस हो गया। तो औरंगजेब ने चित्रकला को धर्म निषेध घोषित कर दिया। अब दरबार में चित्रकला का कोई भी स्थान ना रहा, दरबार से चित्रकला खत्म। ठीक है, औरंगजेब के बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि मजा आ रहा है। ठीक है, बाद में थोड़ा सा।